हेलो दोस्तों, क्या आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। अगर तो आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, किस वजह से सीखनी चाहिए और इस फील्ड का स्कोप क्या है और हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम ये सारा भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को हल्का सा टच कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला पता है क्या? लोगों को पता ही नहीं है किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, वो लोग पता क्या करते हैं। फिर वो करते ही हैं लोगों की देखा देखी में, फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, भाई मैं भी यही करूंगा। ओ भाई, आप ऐसा क्यों करेंगे? आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, आप जाना किसी और फील्ड में चाहते हैं, या आपको पता ही नहीं आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। बाद में क्या होता है, फील्ड सिलेक्ट करने के बाद एक पॉइंट ये आता है, आप रियलाइज करते हो भाई मैंने ये फील्ड सिलेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, ना आप पीछे जाने के ना आप आगे जाने के। अब क्या होता है, उस पॉइंट पर आकर आप स्टक हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि अब मैंने आगे जाना है, पीछे जाना है, करना क्या है, होगा क्या, वो नहीं पता चल रहा होता कि क्या करना है। उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आइडेंटिफाई कर लें कि भी आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर तो आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर तो आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में अपना इंटरेस्ट शो करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करें, उस फील्ड में जाएं, ना कि लोगों की देखा देखी। मतलब लोग पता क्या करते हैं, लोग करते ही हैं, देखते हैं फलां फील्ड का स्कोप बहुत ज़्यादा है, फलां फील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा है, चलो यार इस फील्ड में जाते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को नहीं देखते, कामयाब नहीं होते। फिर सब फील्ड में अगर आपने मास्टर बनना है तो आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करना है आपने, और साथ ही आपने ये भी डिसाइड कर लेना है कि भाई फलां साल मैंने फलां पोस्ट पर होना है, फलां साल मैंने फलां पोस्ट पर होना है, फलां साल मैंने फलां पोस्ट पर होना है। आपने हर चीज को आइडेंटिफाई करना है। बहुत से लोगों को सच में ये भी है कि ग्राफिक डिजाइनर ही वीडियो एडिटर बन सकता है, गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक अलग फील्ड है, वीडियो एडिटिंग एक अलग फील्ड है, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है, ये अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है। ये जरूरी नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनर ही वीडियो एडिटर बन सकता है या वीडियो एडिटर ही एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है, ये कॉन्सेप्ट भी निकाल दे अपने माइंड से, ये थ्योरी भी बिल्कुल गलत है। अब आ जाते हैं, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं भाई फलां फील्ड को भी साथ लेके चलता हूँ। मसलन लोग कहते हैं कि भाई मैं ग्राफिक डिजाइनर भी एट अ टाइम बनता हूँ, मैं एट अ टाइम वीडियो एडिटर भी बनता हूँ, मैं एट अ टाइम उसके डिजिटल मार्केटर भी बनता हूँ, मैं एट अ टाइम उसके साथ इंजीनियर भी बन रहा हूँ, मैं एट अ टाइम उसके साथ डॉक्टर भी बन रहा हूँ, मैं एट अ टाइम उसके साथ बिजनेसमैन भी बन रहा हूँ। ओ भाई, कर क्या रहे हो आप? आप सिर्फ एक फील्ड में मास्टर बन सकते हैं, आप मल्टी फील्ड में कभी मास्टर नहीं बन सकते। वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखने वाला कभी भी एक फील्ड में मास्टर नहीं हो सकता। हमेशा मास्टर एक फील्ड में बने, उस पर फोकस करें, उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करें, कामयाब हों और अपने उस लेवल तक पहुंचें जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि फलां साल मैंने फलां लेवल तक होना है। आपने लास्ट में इसको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है। अगर तो आपको वीडियो एडिटिंग सिलेक्ट करनी है तो लाजमन आप इसको सिलेक्ट करें। अगर तो आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, आपके पास रीजंस होनी चाहिए कि भाई मैं वीडियो एडिटिंग क्यों सीखना चाहता हूँ। अगर तो आप वीडियो एडिटिंग इस वजह से सीखना चाहते हैं कि भाई मैं वीडियो एडिटिंग सीख के वेडिंग्स हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गए, या फंक्शंस हो गए, उनकी वीडियो को एडिट कर लूँगा या अपनी वीडियो को एडिट कर लूँगा, तो बिल्कुल ये अनप्रोफेशनल जवाब है। अगर तो आप वीडियो एडिटिंग इस वजह से सीख रहे हैं, आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप यूट्यूब पर जाना चाहते हैं या फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही फील्ड सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास प्रोफेशनल आंसर्स होने चाहिए। अनप्रोफेशनल बिहेवियर हमेशा आपकी नाकामी की वजह बनेगा, इसलिए आपने प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है। अगर तो आप नॉर्मल एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ना करें। आप क्या करें, काइनमास्टर को डाउनलोड करें, वहाँ पर नॉर्मल एडिटिंग हो जाती है, अब वहाँ से नॉर्मल एडिटिंग सीख लें, अपनी नॉर्मल वीडियोस को एडिट कर लें, वेडिंग्स हो गई, फंक्शंस हो गए या इस तरह की, वो सारी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स लाजमन करना पड़ेगा। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के लिए कौन कौन से चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? हमें वीडियो एडिटिंग के लिए जस्ट एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो हम यूज़ करेंगे, अडोबी प्रीमियर प्रो। तो इस वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि हमें वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, किस वजह से सीखनी चाहिए, इसका स्कोप क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और इसके फीचर्स क्या है।